The intensity at the maximum in a Young's double slit experiment is I naught. Distance between two slits is d is equal to 5 lambda. ये दे रखा है, right? ये दे रखा है. D is equal to कितना? 5 lambda. ठीक है. Where lambda is the wavelength of light used in the experiment, what will be the intensity in the front of one of the slit on the screen placed at a distance d is equal to 10 d. नीट 2016 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों. इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले आप समझें. अगर मुझे पाथ डिफरेंस निकालना होगा, आप देख पा रहे हैं जैसा कि इस फिगर में जो पाथ डिफरेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस होगा, उस पाथ डिफरेंस को हम लोग कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे S2P - S1P, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आएगी कितने? अंडर रूट डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर और माइनस क्या डी है ना, कैपिटल डी. अब यहाँ से अगर कैप यहाँ इस देखें यहाँ पे कैपिटल डी स्क्वायर को अगर मैं कॉमन कर लूँ तो 1 + d² स्मॉल डी बाई कैपिटल डी स्क्वायर माइनस डी है, और ये बाहर आया तो डी हुआ, अब बचा कितना? 1 + d² बाई कैपिटल डी स्क्वायर पावर 1/2 माइनस डी. यहाँ से कैपिटल डी कॉमन कर लिया, बचा कितना? 1 + 1/2 d² बाई कैपिटल डी स्क्वायर. 1/2 कैसा है? बायनोमियल थ्योरम से ये जो होगा ये टर्म आ गया जाता है, ठीक है, माइनस डी. अब डी की वैल्यू कितना यहाँ कॉमन करिए तो बचा कितना? 1/2 d² स्मॉल डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी स्क्वायर माइनस प्लस कट गया तो बचा कितना? 1/2 d² बाई कैपिटल डी स्क्वायर, और डी से एक डी कट गया, 1/2 d² बाई कैपिटल डी. ये हमारा बचा पाथ डिफरेंस की वैल्यू. ये हमारा फार्मूला हो गया. इसी पे हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं, इसी क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे. तो हमारे पास जो निकल के आया वैल्यू पाथ डिफरेंस की, वो निकल के आया, देखें जरा पाथ डिफरेंस निकल के आया, पाथ डिफरेंस जो निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया कितना? 1/2 और डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी, राइट. और देखें इसमें क्वेश्चन में तो दे रखा है डी स्क्वायर की कैपिटल डी की वैल्यू दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन क्या दे रखा है? डी इजकल टू दे रखा है 10 स्मॉल डी, एंड स्मॉल डी की वैल्यू दे रखा है 5 लैम्डा. आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे, देखें ये कैपिटल डी की वैल्यू दे रखा है, राइट, और स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है. ये दोनों वैल्यू इस फार्मूले में रखा जाए तो देखिए क्या मिलेगा. पाथ डिफरेंस इसकल टू कितना? 1/2 डी की जगह पर रखें 5 लैम्डा का होल स्क्वायर बाई क्या? कैपिटल डी की जगह रखें 10 स्मॉल डी, राइट. और देखिए 1/2 5 की जगह रखें 25 लैम्डा स्क्वायर बाई कितना? 10 डी, है ना. तो ये आया हमारा कितना? पाथ डिफरेंस. ओके, एक मिनट, इसमें गलती हो गया. इसमें हम लोग डी को पहले हटा दें तो ज़्यादा सही रहेगा, राइट. रुक जाइए, यहाँ वैल्यू रखिए कितना आएगा, रखा जाए वैल्यू तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1/2 और डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी की वैल्यू है 10 डी, तो यहाँ से एक डी कटेगा तो बचा कितना? डी बाई 20 है ना, और डी की वैल्यू दे रखा 5 लैम्डा, तो 5 लैम्डा बाई कितना? 20. ये आया हमारा कितना? पाथ डिफरेंस. ये हमारा आया पाथ डिफरेंस. ओके, अब देखो जरा बच्चों, समझो फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी जरा देखते हैं. इसको लिखते हैं डेल फाई इक्वल टू कितना होता है? 2π/λ, 2π/2π कितना? लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस. ये एक फार्मूला होता है हम लोग जानते हैं. और क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं डेल फाई इक्वल टू कितना? 2π/λ इंटू डेल एक्स की वैल्यू कितना दे रखा? 5λ/20. लेमडा से लेमडा कट गया, ये 5 × 2 = 10, तो 10 से 2 टाइम्स से ये कट गया, है ना. तो क्या आएगा? 5/2. तो डेल फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2. हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है इंटेंसिटी. देखें जरा हमसे क्या पूछा गया है. पूछा गया है कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन द स्क्रीन प्लेस एट द डिस्टेंस d = 10 d. ओके, चलिए. तो
तो इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है, जरा देखिए वो क्या होगा। जो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, आई इक्वल टू होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई टू, या डेल फाई लिख दीजिए, ये हमारा फार्मूला होता है, राइट। और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर की जगह कितना, पाई बाई टू, पाई बाई टू, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर डेल फाई की वैल्यू पाई बाई टू, नीचे टू है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर कितना, पाई बाई फोर। पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, मैं इधर लिख देता हूँ, आई इक्वल टू आई नॉट और कितना कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर, पाई बाई फोर। चलिए एक लाइन और पढ़ लेते हैं, आई नॉट पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर इसकी वैल्यू होगी कितनी, वन बाई रूट टू। तो वन बाई रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आई नॉट यहाँ पे कितना वन बाई टू, तो आई की वैल्यू कितनी आई, आई की वैल्यू आई आई नॉट बाई टू, ये हमारा आ गया आंसर। अब देखते हैं कि ऑप्शन में किस ऑप्शन में है, हमारा जो आंसर आया वो आया आई नॉट बाई टू, देख लीजिए ठीक है। इसको देखते हैं कौन सा आंसर सही है अपना, जो ऑप्शन सही है आई नॉट बाई टू, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राइट।